हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित करने, बहू की हत्या करने, क्रेटा सहित विभिन्न गाड़ी की डिमांड करने वाले लालची लोगों के मामले आपने खूब सुने होंगे, लेकिन हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ऐतिहासिक किस्से आपको कभी कभार और देश में कहीं कहीं ही सुनने को मिलेगा। जी हां, खरगोदा से मात्र 9 किलोमीटर दूर हसनगढ़ गांव के भूप सिंह सैनी ने ऐसी ही मिसाल दी है जो आज समाज में अनूठी पहल है। डॉक्टर भूप सिंह ने अपने बेटे का 1 रुपए से रिश्ता किया है, दहेज में कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने अनूठी पहल कर दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित करने वालों को सबक दी है। खुरमपुर गांव में अपना क्लिनिक चलाने वाले हसनगढ़ निवासी डॉक्टर भूप सिंह ने अपने बेटे का रिश्ता 1 रुपए से लेकर समाज में अनूठा उदाहरण पेश किया है। जबकि आज समाज में कई दहेज के लालची बड़ी बड़ी कार की डिमांड करते हैं, इसी बीच 1 रुपए का रिश्ता लेने वाली मिसाल समाज में अपने आप में एक अनूठी पहल है। लड़के आशीष कपूर की माँ सविता देवी का कहना है कि जिसने अपनी बेटी हमें दे दी उसने सब कुछ ही दे दिया। बहु रूपी अपनी बेटी को किसी भी स्त्री धन की कमी नहीं रहने देंगे। हमने पहले ही अपने घर में बहू के लिए हर जरूरत के सामान की व्यवस्था की है। उनका कहना है कि उसके घर में उसकी 2 बेटियां कोमल व कीर्ति हैं। उन्हीं बेटियों के समान ही बहू को भी दुलार मिलेगा। उनका बेटा अपनी प्राइवेट बिजनेस करता है। एक बेटी कोमल ने फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब कर रखी है। दूसरी बेटी कीर्ति सीजीएल की तैयारी कर रही है। उनके इस फैसले से पूरा परिवार ही गौरवान्वित है। सगाई पर जब 1 रुपए का रिश्ता बोला गया तो पूरे गांव में भूप सिंह सैनी को बधाई दी और कहा कि समाज में अधिक से अधिक लोगों को इस राह पर चलना चाहिए। उधर दूसरी तरफ लड़की के पिता झज्जर निवासी धर्मवीर सैनी का कहना है कि शुरू में जब लड़के के पिता भूप सिंह ने 1 रुपए से रिश्ते की शर्त रखी तो उसे अजीब सा लगा, क्योंकि आजकल कुछ दहेज लोग ही डिमांड रखते हैं। लेकिन उन्होंने 1 रुपए के रिश्ते की शर्त रखी। परिवार में डिस्कस हुआ, अब 1 रुपए के रिश्ते से बेटी की शादी हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने BSc MSc किया हुआ है। उनका बेटा अमित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं। उनकी पत्नी सुशीला गृहिणी हैं। समाज सेवी एवं पूर्व सरपंच नरेंद्र दहिया का कहना है कि दहेज के लोग ही अपनी बहू को खूब प्रताड़ित करते हैं। कई बार तो दहेज की मांग इतना अधिक अंधा कर देती है कि वे महिला की हत्या भी कर देते हैं और बाद में उनकी जिंदगी जेल में बीतती है या फिर अदालतों से उन्हें फांसी की सजा या जेल की सजा सुनाई जाती है, जिससे उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए समाज से ऐसी बुराई को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने खुद भी अपनी बेटी का रिश्ता 1 रुपए से किया था, कोई दान दहेज नहीं लिया। उनके दामाद ने भी 1 रुपए का रिश्ता किया था। समाज को इस दिशा में एक एक करके आगे आना चाहिए। 1 रुपए का रिश्ता करने वालों की पूरी उम्र खुशी का अनुभव रहता है। लड़के का 1 रुपए का रिश्ता लिया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, इसके परिणाम मुझे प्रधान जी नरेंद्र खुरमपुर से उनसे मिली। उन्होंने अपनी बेटी शादी की थी, उनका दामाद का नाम सुपंदित सांगवान। उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की कि प्रधान जी ने अपने 2 बच्चों की शादी की। उन्होंने पूरा 1 रुपया रिश्ता लिया था, उन्हें कोई समान दहेज में नहीं लिया था। इनसे परिणाम आगे मैंने इसको बात को पकड़ा कि मैंने भी अपनी बेटी की शादी 1 रुपये रिश्ते से करनी है। अब मैंने 1 रुपये रिश्ता लिया है, इसके अलावा मैंने कोई भी समान नहीं लिया। आपका क्या नाम है? और भूप सिंह कपूर है जी। लड़के का क्या नाम है? आशीष सैनी है जी। आप बताएं मैडम, क्या नाम है आपका और आपके लड़के की शादी होनी है, क्या कुछ बताएंगे? इसने बेटी दे दी, इसने सब कुछ दे दिया। यही हमारी इच्छा थी कि हम दहेज दोनों की इच्छा ही थी, हमारी दोनों की यही इच्छा थी, बस हम दहेज नहीं लेंगे। हमने बेटी पढ़ी लिखी मिल गई, बस सब कुछ मिल गया। सलाम को नहीं चाहिए, इसके अलावा हमने कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी प्रधान जी, जी बताओ क्या कुछ और बताना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा जी कि हर आदमी इस मुहिम के साथ जुड़े। इसमें क्या होता है जी कि हाँ, गरीब आदमी ना अपनी बेटी शादी करता है तो पैसे उठाता है, वो पूरी ज़िंदगी पैसे उतारने में लगे जाते, उसकी उसका पैसा नहीं उतरता जी, वो ब्याज दे देकर दुखी हो जाता। हमें चाहते हैं कि हर आदमी, जैसे प्रधान जी को देखकर मैंने शुरुआत की, और आदमी स्कूल को आगे बढ़ाएं ताकि दहेज प्रथा खत्म हो उसके समाज से। आप यहाँ पहुँचे हो हसनगढ़, और बेटी की सगाई थी, सगाई की है लड़के से, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस मौके? बस यही, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सगाई का जो 1 रुपये से हुआ, इससे हम बहुत खुश है। क्या नाम है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मवीर है जी। बस कुछ नहीं, रिश्ता 1 रुपये का लिया है, इससे हम बहुत खुश हैं। कोई गाड़ी या वगैरह कुछ भी सामान ऐसा नहीं लिया जो हमारे पे बोझ पड़े कोई, ऐसे तो मैं बहुत खुश हूँ।
आपकी लड़की क्या क्या करती है जी? लड़की की पढ़ाई चल रही है मुझसे। आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? अनूप सैनी नाम है जी, हसनगढ़ का वासी हूँ। और मैं जो ये रिश्ता हुआ है, मेरा सगा भतीजा है, मैं इस चीज़ में इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर भूप सिंह ने इतना अच्छा डिसीजन जो लिया है उस पर हम और हमारा पूरा परिवार इतना गर्व महसूस करता है कि भी जो ये अलग सा भाई ने एक निर्णय अपने आप में एक मिसाल के तौर पे अपने आप को साबित किया है, हम और हमारा पूरा परिवार इस पर इतने गौरवान्वित हैं कि हम ये चाहेंगे कि हम और जैसा हमारे भाई साहब ने किया है, फ्यूचर में मैं भी यही इसी मुहिम को आगे बढ़ाऊं और समाज के सभी लोगों से, सभी सज्जन लोगों से अपील करूंगा कि जो कार्य मेरे भाई साहब ने कराया है उस कार्य को बढ़ चढ़ कर ऐसे ही लोगों को उत्साह प्रेरित करें और इसी दिशा में दहेज का जो एक दानव है अपनी बेटियों को जो लील रहा है, हम ये चाहेंगे कि ये दहेज लोभी जो आदमी है वो हमेशा दहेज के खिलाफ रहें और दहेज के प्रति अपनी जो लालसा है, लालच है, उसका विरोध करें और सभी अपनी जो बेटी बहू बन के आती है उसको बेटी के समान मानें और हमेशा ऐसे ही प्यार प्रेम के साथ। और इस मुहिम को हम चाहेंगे समाज के और लोग भी इस पर प्रेरणा लें। का क्या कुछ इस मौके पर कहना चाहूँगा? नीरज सैनी है जी मेरा नाम, और जो ये मेरे भाई हैं, मेरे चाचा जी के लड़के डॉक्टर भूप सिंह सैनी जी के, और चाचा जी का दिली इच्छा थी, मतलब जैसे इस चीज़ को करने की, इनके दिल की मतलब संतुष्टि के लिए मतलब इन्होंने पूरा किया अपना जो ख्वाब था। और हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि जी हर एक बंदा मतलब दहेज प्रथा के प्रति बिल्कुल नकारात्मक वो रखे। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि सभी को मतलब समाज को, सर्व समाज को मतलब दहेज प्रथा के खिलाफ रहना चाहिए। खरखुदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखुदा में IMT में अलग अलग साइज की इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93555509 पर संपर्क करें। प्रताप स्कूल खरखुदा, देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहां छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।